खबर आई दंतेवाड़ा से, यहाँ पर एक महिला नक्सली के साथ साथ तीन नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। डीआरजी, डीएफ और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो की घेराबंदी के बाद इन्हें घेराबंदी की गई और उनको गिरफ्तार किया गया है। मिच्चीपारा के पास नहाड़ी काकाड़ी के जंगलों से गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों पर हत्या, लूट, आगजनी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। एसपी अभिषेक पल्लव ने इन सभी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दंतेवाड़ा से, जहां पर तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और इन तीन नक्सलियों में एक महिला भी है। और ये जो कार्रवाई की गई है, डीआरजी, डीएफ और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो ने ये कार्रवाई की और सभी लोगों ने मिलकर घेराबंदी करके इन सभी को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए पंकज सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं दंतेवाड़ा से। पंकज, एक बड़ी सफलता मिली है डीआरजी को, जिन्होंने तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ खुलासा हो रहा है इनसे? बिल्कुल सही है, दंतेवाड़ा जिला पुलिस बल को एक बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने प्रेस नोट जारी करके इस बात का दावा किया है कि कल पोटाली नवीन कैंप से तीन लोगों को मुठभेड़ के दौरान नहाड़ी काकाड़ी के जंगलों में दंतेश्वरी फाइटर्स डीआरजी और डीएफ के जवानों ने घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों से जो महिला नक्सली है शांति उत्पोती 26 नंबर प्लाट की कदर बताई जा रही है, वहीं पर एक डीकेएमएस का अध्यक्ष बताया जा रहा है और जो देवा है बताया जा रहा है काफी खतरनाक नक्सली था, उग्र नक्सली था। एसपी और कलेक्टर के काफिले को उड़ाने की साजिश भी है रच रहा था, ऐसा दंतेवाड़ा एसपी अशोक पल्लव का खुलासा था। क्या जब घेराबंदी करके जब गिरफ्तार किया गया तो उस दौरान क्या लगता है कि क्या जवाबी फायरिंग भी हुई थी उस दौरान, या उनके पास हथियार वगैरह कुछ जब्त किए गए हैं उस दौरान, नक्सली सामग्री वगैरह? नक्सली सामग्री जब्त की गई है, सामग्री से जो देवा है उसके पिट्ठू से AK-47 के कारतूस, 12 बोर के कारतूस और डेटोनेटर और ऐसे करके जो खतरनाक सामान है ऐसे बरामद किए गए। पुलिस ने अपने प्रेस नोट पर बात का दावा किया है कि जिस जगह से गिरफ्तार किया गया वहां पर पुलिस को देख करके नक्सलियों ने फायरिंग की और जो देवा है वो वर्दी में पेश किया गया है मीडिया के सामने में। ये नक्सलियों की जो काली वर्दी होती है उस वर्दी को पहना करके पुलिस ने इसे लाया है मीडिया के सामने और पुलिस से ही ये दावा है कि उस जगह पर मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ के बाद ही तीनों को गिरफ्तार किया गया। जी चलिए, इस मसले पर नजर बनाए रखेगा और क्या कुछ खुलासे करते हैं नक्सली उसके बारे में जानकारी लेकर रखिएगा, उससे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमसे जुड़ने के लिए। एक और खबर।